नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबर की। मुश्किल में फंसे उर्जित पटेल मनमोहन ने बचाया। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल नोटबंदी के मुद्दे पर बुधवार को संसदीय समिति के समक्ष पेशी के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हस्तक्षेप के चलते संभावित खिंचाई से बच गए। समिति के सूत्रों ने कहा कि पटेल रिजर्व बैंक तथा वित्त मंत्रालय के कुछ अधिकारियों की टीम के साथ वित्त पर संसद की स्थायी समिति के समक्ष पेश हुए। सदस्यों ने उनके समक्ष कई मुश्किल सवाल रखे। सूत्रों के मुताबिक पटेल ने वित्त पर संसद की स्थायी समिति को नोटबंदी के विषय पर बताया कि रिजर्व बैंक और सरकार के बीच बातचीत पिछले साल की शुरुआत से चल रही थी। बैंकिंग प्रणाली में स्थिति कब तक सामान्य होगी और 50 दिन की निर्धारित अवधि में कितने पुराने नोट जमा हुए, ऐसे कुछ अटपटे सवाल थे जिनका वो कोई सीधा जवाब देने की स्थिति में नहीं दिखे। समिति के सदस्यों की ओर से अभी पटेल की और खिंचाई होती। इससे पहले मनमोहन सिंह ने कहा कि एक संस्थान के रूप में केंद्रीय बैंक और गवर्नर के पद का सम्मान किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में नोटबंदी पर अपने भाषण में इसे ऐतिहासिक विफलता तथा संगठित लूट कहकर इसकी तीखी आलोचना की थी। मनमोहन सिंह खुद रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। उन्होंने समिति से कहा कि आरबीआई गवर्नर से अटपटे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। नकदी निकासी की सीमा को हटाए नहीं जाने के बारे में एक सदस्य के सवाल पर सिंह ने पटेल से कहा कि उन्हें इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली समिति के भाजपा सदस्यों ने बैठक में ज्यादा सवाल नहीं उठाए। वित्त मंत्रालय ने बैठक में उठाए गए प्रश्नों का जवाब देने के लिए समिति से समय मांगा है। बैठक में वित्त सचिव ने समिति के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण दिया। हालांकि सदस्य जवाबों से बहुत संतुष्ट नहीं दिखाई दिए। आरबीआई गवर्नर 20 जनवरी को इसी मुद्दे पर संसद की लोक लेखा समिति के समक्ष भी पेश हो सकते हैं। और अब नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ओबामा ने भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने के लिए की मोदी की प्रशंसा। बाबा रामदेव ने लड़ी कुश्ती, ओलंपियन पहलवान को हराया। वाराणसी में पोस्टर, राहुल को कृष्ण और अखिलेश को अर्जुन के रूप में दिखाया। चीन ने परमाणु हथियार मुक्त विश्व बनाने को कहा। और सुखबीर का सवाल, उग्रवादी संगठनों से धन क्यों ले रहे हैं केजरीवाल।